अनुराधा जी बहुत खुश थी जब से उन्होंने सुना है कि उनकी बेटी नताशा के बेटे अरुण का विवाह 1 महीना बाद होने वाला है। उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते, साथ ही साथ वो थोड़ा परेशान भी हैं कि आखिर मायरे में क्या-क्या देना होगा। अनुराधा जी के पति का 5 साल पहले ही देहांत हो गया था। अनुराधा जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी नताशा और छोटा बेटा रमन। रमन नताशा से काफी छोटा था, इतना छोटा कि नताशा का बड़ा बेटा वरुण रमन से 7 साल ही छोटा है और रमन को वह मामा कम और दोस्त ज्यादा समझता है। अनुराधा जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जे सिर पर चढ़ गए और इस सदमे को वो झेल ना पाए। एक दिन अचानक वो इस दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद जो संपत्ति थी वह सब बेचकर अनुराधा जी और रमन ने उससे कर्जा को चुकाया। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा है। रमन का विवाह नेहा के साथ 2 साल पहले ही हुआ है। नेहा और रमन मिलकर नौकरी करते हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं, क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है। साथ ही साथ अनुराधा जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो दवाइयों का खर्चा भी है। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वह लिस्ट उन लोगों को देने थे, इसलिए नताशा इस संडे को अनुराधा जी के यहाँ आने वाली है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते हैं। जब संडे को नताशा घर पर आई तो अपने हाथ में पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और रमन और नेहा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नताशा दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि अनुराधा जी भी सोच में पड़ गई कि यह एक बार भी यह सोच कर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझ कर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे। नेहा ने कहा, मायरा तो देना ही पड़ेगा भाभी। अनुराधा जी ने कहा, लेकिन बेटा यह कुछ ज्यादा नहीं है माँ। माँ अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी। ससुराल में नताशा अपनी ही रो में बोला, बेटा इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। अनुराधा जी ने कहा, क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता। नताशा बराबर जवाब दे रही थी, लेकिन बेटा थोड़ा तुम भी तो सोचो, अगर नहीं दे सकती तो कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं, यह तो देना ही पड़ेगा। आप लोगों को आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा है। सुनकर अनुराधा जी बिल्कुल चुप हो गई और उनके आंखों में आंसू आ गया, पर नताशा कुछ भी सुनने ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुक कर नताशा यह कह कर चली गई कि अगर मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। अनुराधा जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है। वह इतनी कठोर हो सकती है कि उसे किसी के दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं, जबकि नताशा को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि नताशा के पति का बिजनेस भी उनके पिता के ही देन है, पर आज उनकी बेटी है सब भूल गई। खैर शादी के 3 दिन पहले अनुराधा
अनुराधा जी नताशा के घर पहुंची, देखा तो वहां नताशा के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब नताशा ने अपनी माँ को वहां आए देखा और उसके भाई ना नेहा को वहां नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे माँ आप अकेले आई हो, रमन और नेहा कहाँ है? हाँ वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा के लाना। यहाँ सुनकर सब लोग अनुराधा जी और वह नताशा की तरफ देखने लगे, पर अनुराधा जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करके लाई हूँ और प्रॉपर्टी में मेरे पास है नहीं, देकर वह घर ही बचा है, तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूँ, इसलिए पेपर तैयार करवा लाई। अब की बार का हिसाब किताब भी कर दो। कैसा हिसाब किताब? अरे पहले सुनो तो सही, तुम्हें याद है ना तुम्हारे पति का काम जब नहीं चल रहा था तो हमारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए। माँ आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही हो? तुम भी तो ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो माँ, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं कौन होती हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। नताशा ने शर्मिंदा होकर अनुराधा जी से माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वहीं खुद अपने पति के साथ जाकर अपने भैया भाभी को शादी में लेकर आई।